Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Mom's Kitchen. आज मम्स किचन में बन रहा है जी शामी कबाब. और मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया शामी कबाब के लिए. लिया ये 2 कप चने की दाल है जिसको मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था. और अब मैंने इसका पानी ड्रेन कर लिया और अब मैंने इसको बड़ी सी पॉट के अंदर डाल लिया है. और इसके अंदर अब जाएगा अनियन और एक पूरा होल गार्लिक है, 9 to 10 इस क्लोव्स हैं गार्लिक के. लहसुन है, प्याज काटा रफली चॉप. और मसालों में हमारे पास नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है घर का, ज़ीरा है, सिनेमन स्टिक है, दालचीनी है, और ये ब्लैक कार्डमन है, गरम मसाला है, क्यूमिन पाउडर है, रेड चिली है. और ये सब मैंने 1 टीस्पून लिए हैं सारे मसाले. और मैं अभी यही डालूंगी और अगर मुझे लेटर लगेगा कि कम है तो मैं तब एडजस्ट कर लूँगी. और मैं चिकन को, मैंने बोनलेस चिकन लिया है, वो भी ब्रेस्ट जो फिले होता है वो लिया है मैंने इसके लिए. क्योंकि जब आप शामी कबाब बनाते हैं तो इसके रेशे अच्छे बनते हैं. जब आप उसको बोटियों को तोड़ते हैं या फिर कूटते हैं तो बड़े मज़े के उसके होते हैं रेशे, एक एक रेशा नज़र आता है. और अगर आप में चपली कबाब बनाने हैं तो आप ये किया करें कि चिकन थाई, मैं तो प्रेफर करूँगी, मैं चिकन थाई के ही चपली कबाब बनाती हूँ. एक तो जूसी भी होता है और उसके काफ़ी मज़ेदार से चपली कबाब बनते हैं. वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी रेसिपी शेयर करूँगी. चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं. अब मैं सबसे पहले इसके अंदर डालूंगी गर्म पानी जो कि कटल में मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ है. और साथ ही मैं सारे ये अनियन, गार्लिक और सारे ये जो मसाले हैं ये डाल दूंगी. और साथ ही इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं चिकन. मैंने इसमें पंख डाल दिया गरम और अभी फ्लेम जो है वो मीडियम पे है. और इसके अंदर मैं डाल दूंगी अनियंस, गार्लिक, सारे ड्राई स्पाइसेस और इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी. मैं आपको भी दिखाती हूँ. ड्राई स्पाइसेस, अनियन, होल क्लव्स ऑफ गार्लिक, सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया. सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइस, मेरा बेबी जो है वो किचन में मेरे साथ ही है और वो खेल रहा है इधर. और अभी मेरे पास था चिकन, मैंने ब्रेस्ट लिया है जिसको मैंने स्मॉल क्यूब्स में कटवा लिया था अपने बुचर से. और ये मेरे पास 1.5 किलो है. और अब मैं एक बॉयल आने दूंगी चने की दाल को और लिड दे दूंगी. और जब बॉयल आ जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी. फ्लेम स्लो है बहुत और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा वाटर और ऐड किया और लिड दे के, क्योंकि चने की दाल थोड़ा टाइम लेती है. पहले मैं इसको हाफ टर्न कर लूँगी चने की दाल को. चिकन तो बहुत जल्दी गल जाता है तो फिर मैं इसके अंदर वो जो मैंने आपको दिखाया क्यूब्स वाला चिकन वो मैं ऐड कर दूंगी. अभी इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे. ये देखें चने की दाल काफ़ी हाफ टर्न हो चुकी है. अगर मैं आपको दिखाऊं ये देखें काफ़ी सॉफ्ट है. अब मैं इस स्टेक पे मैं चिकन डाल दूंगी और इसके अंदर जो कि मैं अदरक डाल दूंगी इसके अंदर. और इसके अंदर थोड़ा सा वाटर और ऐड करूँगी ताकि ये अच्छा सा पक जाए. मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया, वाटर गरम डाला है और 2 क्यूब्स डाल दिए मैंने फ्रोजन जो कि जिंजर के हैं. अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ताज़ा भी डाल सकते हैं. और मैंने एक डाला है, 2 क्यूब्स डाले हैं. आप 2 टेबलस्पून डाल दें अदरक के कुटे हुए. मैंने स्टेज के ऊपर डाला है चिकन, गरम पानी और 2 क्यूब्स मैंने डाल दिए हैं फ्रोजन अदरक के. अब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, इसके ऊपर दोबारा लिड दे देंगे और इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे. मैंने इसके अंदर डाली है कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए और अब मैं लिड दे दूंगी इसके ऊपर. इसके ऊपर तो आधा घंटा हो गया, मैंने लिड उठा दिया. चने की दाल काफ़ी अच्छी गल गई है, अब इसको हम पानी ड्राई करेंगे. लिड नहीं दूँगी इसके ऊपर, सारा पानी मैंने ड्राई कर लिया. अब मैं इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लूँगी. और आप इसको अपने मिक्सचर में भी कर सकते हैं. कुंडी डंडा जो जैसे जो होता है उर्दू में जैसे कुंडी डंडा कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं मोटर एंड पेस्टो, इसमें कूट सकते हैं, अपने ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं. और जग वाला नहीं, दूसरा जो होता है जिसमें हम चिकन मिन्स चिकन का मिन्स कर बनाते हैं मशीन में, उसमें. और अब इसको ठंडा हो दूँगी और ये थोड़ा वो हो जाएगा क्योंकि चने की दाल है, थोड़ी और ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी. और फिर मैं दिखाऊंगी इसके अंदर मैं धनिया डालूंगी, हरी मिर्चें काट के डालूंगी और देखूंगी कोई स्पाइसेस वगैरह मुझे डालने होंगे.
ये मिक्सचर ठंडा हो गया था। सबसे पहले इसको तो मैंने इस चम्मच से किया है, जैसे आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके। ये नॉनस्टिक का आपका, अगर नॉनस्टिक का आपका पतीला है तो आपने ना नॉनस्टिक वाला ही चम्मच लेना है, सिल्वर नहीं माना, क्योंकि वह स्क्रैच कर देगा और आपका पतीला ख़राब हो जाएगा। तो मेक श्योर अगर आपने सिल्वर लिया है तो आप मार सकते हैं सिल्वर का ही चम्मच, और अगर नॉनस्टिक का तो प्रेफर करें कि इस तरह का ही हो, और ताकि स्क्रैच ना पड़े, आपका पतीला ना ख़राब हो। ये देखें मैंने ऐसे ऐसे किया है। चने की दाल तो घुल गई थी, चिकन के चंक्स रह गए थे तो उसको मैंने हाथ से ऐसे घोट लिया, सारा ऐसे घोटा। फिर जो मोटे मोटे चंक्स रह गए थे उसको मैंने फिर ऐसे ऐसे कर लिया, ताकि जब आप खाएँ और आपको चिकन के रेशे नज़र आएँ। अब इसको ठंडा मज़ीद और होने दूँगी, और फिर इसके अंदर डालूंगी कटी हुई हरी मिर्च, धनिया, और अगर मुझे लगेगा कि नमक मिर्च कम है तो वो मैं हल्का सा ऊपर से स्प्रिंकल करके मिक्स कर लूँगी, और फिर मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी। अब हम शामी कबाब की टिक्कियाँ बनाएंगे। ये ऑप्शनल है, मेरे हस्बैंड का बहुत पसंद है कि हल्का छोटा सा बिट्स आने चाहिए झुमके के, थोड़े बाद बैकग्राउंड नॉइज, मेरा बेटा खेल रहा बलून से। और मैं इसमें ग्रीन चिली डालूंगी, और ये ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद तो स्किप कर दें। मैं इसमें डाल के इसका भी नमक और मिर्च पूरी कर लूँगी, और फिर इसके बाद दिखाती कि मैं कैसे टिक्कियाँ बनाती हूँ और फ्रीज करती हूँ। देखिए मैंने इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं। सबसे पहले ये जो क्लिंग फिल्म होता है मैंने वो प्लेट के ऊपर रखा है, ये बेस है क्लिंग फिल्म की, उसके ऊपर टिक्कियाँ बनाई हैं मैंने, फिर क्लिंग फिल्म लगाया, फिर ऊपर टिक्कियाँ मैंने सारी बना दी हैं। अब मैं ये सिर्फ दो मतलब के स्टैक करूँगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करी जाएंगे तो फिर आपकी टिक्कियाँ टूट जाएंगी। अब मैं इसको एज इट इज़ ही अपने फ्रीज़र में रख दूँगी, जब मुझे लगेगा ये थोड़ी हार्ड हो गई हैं तो इसको फिर मैं अपने एक और फ्रीज़र जो बैग होता है प्लास्टिक, उसके अंदर मैं डाल दूँगी, और मैं इन टिक्कियों को भी बना लूँगी, और इन जब तक ये हो जाएंगी थोड़ी सी हार्ड, और फिर मैं एक और प्लेट लेके इसी तरह करूँगी, क्लिंग फिल्म लगाऊँगी, टिक्कियाँ एक और प्लेट लूँगी जिसमें मैं क्लिंग फिल्म लगाऊंगी और सारी टिक्कियाँ बनाऊंगी इसी तरह, और फिर क्लिंग फिल्म लगाऊंगी और सारी टिक्कियाँ बनाऊंगी, और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। देखिए मैंने फ्रीज़र से वो जो निकाल लिया प्लेट, और इसको मैंने जिप लॉक बैग में ऐसे डाल दिया है, और आप इसको महीने तक फ्रीज कर सकते हैं, और जब आपने निकालनी हो आराम से इसको निकालें। अंडा अंडे को फेंटें, इसके अंदर नमक काली मिर्च डाल लें, और डिप इसके ऊपर अंडा अप्लाई कर दें, और इसको फ्राइंग पैन में तल लें, और फ्रीज़र से जब आप इसको निकालें तो हल्का सा माइक्रोवेव कर लें। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें, और या स्ट्रॉबेरी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, इस तरह आप ये चार पैकेट बन गए माशाल्लाह इस तरह। और ये इसका दूसरा पड़ा हुआ है, ये देखिए ये दूसरा पड़ा हुआ है, इस तरह के दो और भी हैं, देख रहे हैं माशाल्लाह कितना अच्छा बन जाता है। और आप इसको इस तरह बच्चों के बर्गर बना के दे सकते हैं, हस्बैंड को दे सकते हैं सैंडविचेस में, तो काफ़ी यूज़फुल होता है, इस तरह काम आसान भी हो जाता है। और हम शामी कबाब फ्राई करेंगे, इनको मैंने हल्का सा डिफ्रॉस्ट किया, अंडे में डिप करूँगी, और फिर मैं इसमें डालूँगी। शामी कबाब मैंने 5 फ्राई कर लिए हैं, और बाकी के मैंने डाले हुए हैं। कितने माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। मैंने 5 फ्राई कर लिए और बाकी के मैंने डाले हुए 3। ये जी है शामी कबाब का फाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी प्लीज़ जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।